सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव से है, तभी इसका नाम सोमनाथ है। इसके पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। चंद्रदेव की शादी दक्ष की 27 बेटियों के साथ हुई थी। इन 27 रानियों में से चंद्रदेव रोहिणी नामक रानी का ज्यादा ध्यान रखते थे और बाकी रानियों पे ध्यान नहीं देते थे। इस पर क्रोधित होकर के दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव की रोशनी का तेज कम होता जाएगा। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करी और इस पर प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि चंद्रदेव ने ये मंदिर सोने का बनवाया था। उसके बाद रावण ने इस मंदिर को चांदी का बनवाया और फिर श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन का बनवाया। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि अलग अलग युद्धों की वजह से सोमनाथ मंदिर 17 बार टूटा है और इसका पुनर्निर्माण हुआ है। आज जो हम सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं उसका निर्माण श्री वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। और ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आरती के दर्शन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नाम की जगह में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस तरह है। जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की शादी की बात चल रही थी तब प्रश्न ये उठा कि किसकी शादी पहले होगी। इसका निर्णय करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को विश्व का चक्कर लगा करके आने को कहा। इस पर भगवान कार्तिकेय अपना वाहन लेकर के निकल गए, लेकिन गणेश जी ने चतुराई दिखाई और भगवान शिव और पार्वती के ही साथ चक्कर लगा लिए। जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है और वो रूठ करके कैलाश छोड़ करके क्रौंजा पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती के कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा और वो कैलाश वापस नहीं आए। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं ही कैलाश छोड़ करके श्रीशैलम में आकर के रहने लगे और इस तरह से ये प्रसिद्ध हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है, यानी कि वो खुद से यहाँ उत्पन्न हुआ है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर हर रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उज्जैन के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं। और ये है महाकाल बाबा की आरती के दर्शन। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा के अलावा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग इंदौर के पास खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग जिस पहाड़ पर है वो पहाड़ नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है। इस पहाड़ के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है और इस वजह से ये पहाड़ ओम के आकार में है और तभी इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवगढ़ झारखंड। झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाबा बैद्यनाथ धाम है।
पूरे भारत में यही सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। बाबा बैद्यनाथ को लेकर के कई सारी पौराणिक कथाएं हैं और उनमें एक कथा ये भी है कि यही वो जगह है जहां पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के रावण को दर्शन दिए और रावण का इलाज किया। तभी इस धाम को बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान शंकर ने वैद्य की तरह रावण को ठीक किया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री हिल्स पर है। यहाँ से भीमा नदी उत्पन्न होती है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। त्रिपुरासुर नामक राक्षस इस जगह पर काफी उत्पात मचा रहा था। उसको खत्म करने के लिए भगवान शिव खुद यहाँ पर आए और उससे युद्ध किया और उसको खत्म किया। युद्ध के बाद भगवान शिव काफी थक गए थे और यहाँ पर बैठ करके उन्होंने आराम किया और माना जाता है कि भीमा नदी उनके पसीने से निकलने वाले जल से उत्पन्न हुई। इसके बाद वहाँ के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वो यहीं पर ही बस जाएं, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के यहाँ पर हमेशा के लिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथ नाम की जगह पर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही साथ ये हिंदू धर्म के अनुसार 4 धामों में से एक धाम भी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने करी थी। लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना करी थी, तभी इसको रामेश्वर नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। गुजरात में सोमनाथ बाबा के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास दारुकावना नामक जंगल में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग बाबा शंकर के नागों के रूप को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार इसकी एक कथा भी है। माना जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस का जोड़ा रहता था जिसका नाम था दारुका और दारुकी। दारुकी माता पार्वती की भक्त थी और उसे माता पार्वती से वरदान भी मिला हुआ था, लेकिन दारुका वो यहाँ पे काफी उत्पात मचाने लगा और यहाँ के लोगों को परेशान करने लगा। उसने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को कई अन्य लोगों के साथ बंधी बना लिया। इस पर सब लोगों ने शिव जाप शुरू कर दिया और तब शिव ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। तब से यहाँ पर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनारस। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। बनारस जिसे कि दुनिया की सबसे पुरानी नगरी भी माना जाता है, यहीं पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। काशी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ये नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन आदि शंकराचार्य जी जैसे कई ऋषि मुनियों ने करे हुए हैं। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि अगर प्रलय भी आएगी तो काशी विश्वनाथ बचा रहेगा। माना जाता है कि इसकी रक्षा के लिए शिव जी इसे अपने त्रिशूल पे उठा लेंगे और सब कुछ ठीक होने पर इसे पुनः इसके स्थान पर रख देंगे। जो मंदिर हम आज देख रहे हैं, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। और ये हैं काशी विश्वनाथ जी के आरती के दर्शन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है और ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। माना जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया।
केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। गौरीकुंड से आगे जाकर के मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वो भगवान शंकर के दर्शन चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, और इसलिए भगवान शिव बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंच गए। लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ भी आ गए। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली थी, तभी यहाँ पर केदारनाथ शिवलिंग बैल के पीठ के रूप में है। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। पांडवों ने यहाँ पर फिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर काफी पुराना है और माना जाता है कि करीब 400 साल तक ये मंदिर बर्फ के अंदर दबा हुआ था। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा केव्स हैं और इन्हीं एलोरा केव्स के पास में है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता ये है कि यहाँ पर घुष्मा नाम की एक शिव भक्त थी। उसके पुत्र को उसकी ही बहन ने छल से मारा था। अपनी भक्त पर इस तरह के अन्याय को देख भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए और घुष्मा को दर्शन दिए, और इसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो ये हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र सोमनाथम चश्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिया महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकन्याम भीमशंकरम, सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय, ओम नमः शिवाय। और ये हैं कुछ वीडियोस जो यहाँ की आरतियों की हैं।